अभ्यास 91 गति 120 शब्द प्रति मिनट मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और सेना देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों को पूरी तरह समझती हैं और उनके मुकाबले का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए सेना के प्रशिक्षण, नए हथियारों की व्यवस्था, हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण, आधुनिकतम हथियारों तथा अन्य साज सामान के देश में ही उत्पादन, अनुसंधान व विकास तथा सामरिक क्षमता के विकास का काम किया जा रहा है। अब समय आ गया है जब हमें आधुनिक तकनीक तथा अपनी संगठनात्मक व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन कर नई परिस्थितियों के अनुकूल सामरिक व्यवस्था करनी होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि इनके लिए 25 वर्षों की नीति तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। समय की अनिवार्यता के प्रति सेना और सरकार दोनों ही जागरूक हैं तथा उसकी पूर्ति के लिए तत्पर और कृत संकल्प हैं। हर मामले में प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है और उसका कार्यान्वयन चल रहा है। सैन्य और शस्त्र दोनों ही शक्तियों का तेजी से विकास किया जा रहा है। भारत का अपना मुख्य युद्ध टैंक भी कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें विलंब हुआ है, लेकिन इस विलंब की आलोचना सही नहीं है क्योंकि विकास कार्य में समय लगता ही है। पैरा, आज के जमाने में हथियार ही सब कुछ नहीं है, मुख्य बात है सैनिकों का प्रशिक्षण। उन्हें आधुनिक हथियारों तथा संयंत्रों के उपयोग के लिए लगातार तथा व्यापक प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि यह काम भी तेजी से चल रहा है। हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। पाकिस्तान को भले ही अमेरिका से आधुनिकतम हथियार मिले, लेकिन भारत की तैयारी के सामने पाकिस्तान भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर सकेगा और इससे ही हथियार जमा करने का उसका मंसूबा पस्त हो जाएगा। भारत के मुकाबले वह कब तक और कितनी मात्रा में हथियार खरीद पाएगा और उसका लाभ क्या होगा, यह देखना पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश के संदर्भ में देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं, संगठन तथा प्रशिक्षण तीनों ही मामले में इस खतरे का सामना करने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। नए थल सेना अध्यक्ष जनरल सुंदर जी, इस देश को दिया गया यह आश्वासन काफी महत्व का है कि राष्ट्र की पूरी तरह रक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग किया तो हम उसे सही जवाब देंगे, इसकी पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान के खतरे को देखकर नहीं की जा रही है। हमें संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सभी खतरों के संदर्भ में अपनी सशस्त्र सेनाओं को सबल व सक्षम बना रहे हैं। इसके लिए प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तीनों सेनाओं में तालमेल लाने तथा उनके समन्वित नियोजन व विकास पर जोर दिया जा रहा है। सरकार इसके महत्व को समझती है। एक ऐसी प्रणाली का विकास किया जा रहा है जिससे तीनों सशस्त्र सेनाओं की क्षमता के अधिकतम विकास का कार्य किया जा रहा है। पुनर्गठन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सचेष्ट और जागरूक है। पैरा, उत्तरी सीमा पहाड़ी होने के कारण अनेक कठिनाइयां हैं, इसलिए नए और आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था की गई है जिससे उत्तरी सीमा की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। किन्हीं परिस्थितियों में अचानक ही सैनिकों को युद्ध स्थल पर पहुंचना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संचार तथा सूचना के मामले में भी सुधार लाया जाए।
इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की व्यवस्था भी आज की बड़ी जरूरत है। इसके लिए भी संयंत्र उपलब्ध किए जा रहे हैं। पैरा सेना का आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके साथ साथ सेना में उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण करना भी जरूरी हो जाता है। इससे हर कमान अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी तौर पर निर्वाह कर सकेगा। सेना में सेवा की शर्तों में सुधार पर वेतन आयोग के हितों का ख्याल रख सकेगा। वित्त मंत्रालय भी उनकी जरूरतों के प्रति जागरूक है। हालांकि हमें विकास की प्रक्रिया में भी ढील नहीं देनी है। यह मैं मानता हूं कि सेना में पद कम हैं, जिससे उन्नति की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती। इस तरह से रैंक के आधार पर वेतनमान का निर्धारण आकर्षक नहीं रह गया है। इसलिए मेरे विचार में वेतन सेवा के अवधि पर तय किया जाना चाहिए। अन्य सेवाओं को जो वेतन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें तो सैनिकों और अफसरों को भी मिलनी चाहिए। पूर्ण विराम।